यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो हाल ही में संघ के मुख्यालय में जाने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नाम आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस के इफ्तार पार्टी की उस सूची में नहीं है, फेहरिस्त में नहीं है। उसमें तमाम उन मेहमानों के नाम शामिल किए गए हैं जो कांग्रेस की ओर से आमंत्रित किए गए। पार्टी ने 13 जून को दिल्ली में होने वाली इफ्तार पार्टी में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नाम शामिल नहीं किया है और ये गंभीर विषय इसलिए भी हो जाता है, इस पर सवाल इसलिए भी उठ जाते हैं कि ये कार्यक्रम, ये इफ्तार पार्टी उस वक्त आयोजित की जा रही है जब देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कुछ समय पहले ही आरएसएस के मुख्यालय में पहुंचे थे और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की ओर से बयान भी दिए गए थे। बातें तो ये भी थी कि कांग्रेस में खलबली मची है, इसी बीच उनका नाम लिस्ट से गायब है। इसको लेकर आरएसएस के विचारक क्या कुछ कहते हैं, राकेश सिन्हा एक बार उनको सुने। देखिए, अतिथियों की सूची बनाना जो होस्ट होते हैं उनकी प्राथमिकता होती है, लेकिन प्रणब मुखर्जी जी का नाम उस सूची में नहीं होना साफ दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का उनके प्रति एक अपमानजनक रुख है। वास्तव में प्रणब मुखर्जी जिस प्रकार से लोकतंत्र में संवाद की बात कर रहे हैं, वह संवाद की बात वंशवादी राजनीति के लोग पचा नहीं पाए और यही कारण है कि वे प्रणब मुखर्जी जी का किसी भी अवसर पर अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। तो राजनीति के नए बनते समीकरण भी माने जा सकते हैं कि आरएसएस प्रणब मुखर्जी के साथ खड़ी है। ये कहा गया कि उनका अपमान करने से कांग्रेस नहीं चूकती है। शिवसेना की ओर से तो यहां तक कहा गया कि अगर बीजेपी बहुमत के साथ नहीं आती है और उस बात की कहीं सुगबुगाहट भी हो सकती है तो सर्वमान्य जो उम्मीदवार होंगे वो प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे और उनको सभी राजनीतिक दल स्वीकार भी कर लेंगे, जिसमें एनडीए है, एनडीए के जितने भी घटक हैं उनको स्वीकार कर लेंगे। हालांकि इसको लेकर प्रणब मुखर्जी की बेटी साफ कर चुकी है कि वो एक्टिव राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल आरएसएस की ओर से भी निशाना साधा गया है उस लिस्ट को लेकर जिसमें प्रणब मुखर्जी का नाम शामिल नहीं है। हालांकि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति का नाम भी शामिल नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रणब मुखर्जी को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि आरएसएस के मुख्यालय में वो पहुंचे थे, कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की ओर से बयान दिए गए थे कि अपेक्षित नहीं था प्रणब मुखर्जी की ओर से, उनकी विचारधाराएं आरएसएस की विचारधारा से बिल्कुल उलट थी और ये मेल भी नहीं खाती थी। अब उनका जाना थोड़ी समझ से बाहर है। हालांकि जब भाषण उनकी ओर से दिया गया तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की ओर से कहा गया कि वो पाठ पढ़ा कर आए हैं, वो जो मकरजाल आरएसएस की संघ की आत्मा और आंखों के आगे बना है उसे हटाने का काम करके आए हैं। तो फिलहाल इफ्तार पार्टी की सूची से उनका नाम गायब है, जिसको लेकर कई सवाल उठते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे, एक खास पैनल मेरे साथ है। बीजेपी से हमारे साथ सुदेश कटारिया जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेसी प्रवक्ता केवल ढींगरा साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता दिलबाग नैन जी हमारे साथ हैं और आरएसएस से विजय भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आप चारों का इस चर्चा में। क्या कुछ लगता है ढींगरा साहब, एक बार फिर से आप लोगों ने मौका दे दिया उस कार्यक्रम के बाद इफ्तार पार्टी में प्रणब मुखर्जी का नाम शामिल ना करके, कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिक्कत है, परेशानी है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के उन कार्यक्रम में शामिल में होने से? नहीं, कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है और ना ही कोई दिक्कत है। आज की डेट में जो प्रणब मुखर्जी है वो कांग्रेस से ऊपर जाने के बाद वो अब राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति जाने वो बनने के बाद वो एक सम्मानित व्यक्तियों में से है। तो उसमें कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में या कांग्रेस की पार्टी में जाने का कोई सवाल उनका नहीं रहता, क्योंकि जब जब एक आदमी जो प्रेसिडेंट के लेवल तक पहुंच जाता है और उससे ऊपर हो जाता है। बहुत शुरुआत में माफी के साथ रोकूंगी, आपकी पार्टी के तो आदर्श ही होंगे वो अपने आप में, आपने सम्मानित भी कहा, क्या सम्मानित लोगों को कांग्रेस इनवाइट नहीं करती, उनको निमंत्रित नहीं किया जाता? नहीं, देखिए, इफ्तार पार्टी के प्रोग्राम में राहुल गांधी जी गए, उल्टा उनका प्रोग्राम नहीं, वो प्रोग्राम में गए। तो प्रोग्राम में जाना, प्रोग्राम में कोई किसी की उसमें जाना, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों की पार्टी है और जहां तक प्रणब मुखर्जी है वो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब देश के राष्ट्रपति रहने से ऊपर उनका नाम कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में शामिल नहीं होता, अब उनका नाम जो है उस पर वरिष्ठ व्यक्तियों में शामिल होता है और वो एक सम्मानित व्यक्ति है, उनको 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 इस तरह से देखा जाना ही गलत है। उनको ज्योति जी इसको इस तरह से देखा जाना ही गलत है। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का सवाल नहीं है, हम ना देखेंगे इस नजर से, लेकिन पूरा देश इसी नजर के साथ देख रहा है कि कांग्रेस इफ्तार पार्टी
आयोजित करने वाली है, उसके लिए जो लिस्ट है उसमें प्रणब मुखर्जी का नाम ही गायब है और इस वक्त गायब है, जबकि वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसको लेकर खलबली भी हुई थी कि उनका इस कार्यक्रम में जाना अपेक्षित नहीं था, आपके कई नेताओं की ओर से कहा गया था। देखिए, ये आरएसएस को लगता है, जिस तरह से आप आरएसएस का बयान दिखा रहे हैं ये उनको लगता है, क्योंकि उनको उनका मोटिव है कि कांग्रेस को किस तरीके से कहां पे वो बदनाम किया जाए, वो तरीका है उनका। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, संदीप दीक्षित की ओर से कहा गया, जयराम रमेश की ओर से कहा गया, आपकी पार्टी के नेता, क्या कहा गया? ये कहा गया कि उनसे अपेक्षित नहीं था। संदीप दीक्षित की ओर से भी कहा गया कि उनकी विचारधारा तो आरएसएस की विचारधारा से ही नहीं मिलती थी, वो एक अलग मुद्दा है। आप स्टार पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं दोनों ही तारा, अगर आप उसके साथ जोड़ते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूँ। उस समय वो सब हैरानी प्रकट कर रहे थे कि एक कांग्रेस के साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो उससे ऊपर उठ के जब प्रेसिडेंट भी बन गए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, मैंने उस दिन आपको इसी डिबेट में ये कहा था कि वो एक वरिष्ठ व्यक्ति है, वो कहीं भी जा सकते हैं, और ये मेरा ही कहना था। और आपको एक और बात कहूंगा कि उन्होंने उस दिन जितना पाठ पढ़ाया, ये आरएसएस को ही पाठ पढ़ाया कि आप जो है चार मुद्दों के ऊपर आप तरीके से समझे। उन्होंने ये कहा कि टॉलरेंस जो है वो आप उस मुद्दे के ऊपर रहें, देश के अंदर इंटॉलरेंस अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। दूसरे उन्होंने ये कहा कि सेक्युलरिज्म पे बात उन्होंने प्रॉपरली उठाई। उन्होंने तीसरी बात उठाई लैंग्वेज के ऊपर, बोलियों के ऊपर उन्होंने सारी बात अपनी रखी। चौथी बात, अभी उन्होंने जितनी बातें रखी वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को एक तरह से ये समझाने की कोशिश की कि आप इससे ऊपर उठे। एक ही दूसरी बात, फिर बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि वी मे एग्री और वी मे नॉट। अगर हम सभी लोग, क्योंकि वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अब देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उन्होंने अपनी को खुद जोड़ते हुए साथ ये कहा कि वी मे एग्री और वी मे नॉट। अगर आप इस तरीके से भी काम नहीं करना चाहते तो फिर आप मेरे विचारों से या सहमत हो या ना हो। तो उन्होंने दूसरे तरीके से ये भी बात कही। तो ये भारतीय जनता पार्टी को समझाने का काम किया उन्होंने। जहां तक बात है स्टार पार्टी की, वो बात मैंने आपको बताया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम वो नहीं था, संघ का कार्यक्रम था, उसमें वो पहुंचे थे। विजय भारद्वाज जी, क्या लगता है, क्या डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से बदला लिया गया? देखिए, अभी डिंगरा जी कह रहे थे टॉलरेंस और इनटॉलरेंस। सबसे बड़ी कांग्रेस की इनटॉलरेंस यहीं से नजर आती है। अभी कितनी इनटॉलरेंट ये विचारधारा है इनकी भी। एक जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, अब वो इनकी पार्टी के सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति जब बन जाते हैं तो किसी पार्टी के सदस्य नहीं रहते, ना ही उसके साथ उनका कोई मेल होता है। अगर वो वहाँ पे संघ के कार्यक्रम में चले गए और ये बड़ा बड़े डींगे मार मार के कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे जाके संघ को सबक सिखा दिया, जबकि सबसे बड़ा तमाचा कांग्रेस विचारधारा के ऊपर ही उन्होंने मारा है। उन्होंने ये बताया कि यो ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रमणकारी आए, कईयों ने यहाँ पे आके राज करने की कोशिश की, मगर जो हमारी सहनशीलता जिस तरीके से हम लोगों को अडॉप्ट करते हैं, कांग्रेस को तमाचा कहाँ मारा गया सर? कांग्रेस को तो कई नेताओं के नाम नहीं, जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे बार बार ये कहती है भी ये देश जो अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ जो चलने वाला देश है, उसकी सोच का देश है, कांग्रेस उसको नहीं कहती, वो कांग्रेस इनको अंग्रेजों को जिस तरीके से इन्होंने वहां पे मिलके पार्टी बनाई, तो उन्होंने ये बताया कि ये उनका देश नहीं है, ये हमारा देश है, राष्ट्रीय जो हम यहाँ के लोग हैं, हमारी सभ्यता के हिसाब से हमारा देश चलने वाला, ये कांग्रेस को उन्होंने बताया। रही बात इनटॉलरेंस की, अब आपके सामने नजर आती है भी, एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितना टॉलरेंट है, उनको मालूम है भी ये कौन सी विचारधारा के लोग हैं, मगर उनको भी इनवाइट करती है, और ये वहां पे इतने इनटॉलरेंट लोग हैं, इन्होंने वहां पे जाके वहां पे चले गए। नहीं कहा ये टॉलरेंस और मैंने नहीं कहा, ये प्रणब मुखर्जी ने नहीं, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं आपको, कांग्रेस ने कहा, आप कह रहे हो कांग्रेस ने कहा, इतने समझ आ रही किसने क्या कहा, किसने कहने की बात नहीं है, मैंने ये कह रहा हूँ कि आपकी विचारधारा कितनी इनटॉलरेंट है, कांग्रेस की विचारधारा जी ने वहां पे अपनी स्पीच में कहा, ना उन्होंने बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं, टॉलरेंस की बात नहीं की, बिल्कुल ऐसी टॉलरेंस वाली बात नहीं की, मगर आपने सुनी नहीं, हमने सुनी, आपकी टॉलरेंस देखो,
आपकी इंटरव्यूज देखो, इतने वरिष्ठ व्यक्ति को आप लोगों ने वहां पे अपने कार्यक्रम में बुलाना बंद कर दिया। आप लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता, इतने बड़े नेता की बेइज्जती करते हैं। सुदेश कटारिया साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि छोटे छोटे नेता, जो कि विजय भारद्वाज जी की ओर से कहा गया कि इतने बड़े छोटे छोटे नेता इंसल्ट की जाती है उनकी, क्या ये उसी बात का परिणाम है कि वो कार्यक्रम में शामिल हो गए, जो कि कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं होता? सर, सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब को, सबसे पहले तो जब उन्होंने आरएसएस के प्रोग्राम में जाने की हामी भरी मुखर्जी साहब ने, तो इन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। किसने? कांग्रेस वालों ने। कोई दबाव नहीं बनाया। इन्होंने समाज को तोड़ने की बात करी, जोड़ने की नहीं की। हैरानी प्रकट की। बहुत 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 दबाव बनाया, जहां तक की उसकी लड़की से भी बयान दिलवाया। मैं बताता हूँ, कांग्रेस ने सदा समाज को तोड़ने की बात की है, समाज को जोड़ने की नहीं की। राष्ट्र हित में कोई योगदान नहीं रहा। और बात राहुल गांधी का नाम उनके साथ जोड़कर, राहुल गांधी जी के साथ उसका नाम जोड़कर उसकी बेइज्जती मत करो। वो राष्ट्रपति रह चुके राहुल गांधी जी, जिस प्रोग्राम में जाते हैं आप ही लोग कर रहे हो, ये प्रोग्राम में जाते हैं, एनसीसी का प्रोग्राम में जाते हैं, एनसीसी का स्पेल बताओ मत, हैरानी की बात। कल उन्होंने एक ओबीसी सम्मेलन का बयान दे दीजिए, उन्होंने कहा, मुझे हैरानी है, उनसे पूछे कि ओबीसी की फुल फॉर्म क्या है, राहुल गांधी ने ये कहा, मुझे हैरानी है, कभी देश हित में नहीं काम किया, राष्ट्र हित में नहीं किया। अगर देश हित और राष्ट्र हित का कोई काम सीखना है, आप अगर कोई काम करना है, आप आरएसएस का बयान पढ़ लो, आपको यही नहीं मालूम, संगठन से सीखो, आप बयान पढ़ लो उनका, मैं बताता दूं, आप सुमित्री का बयान पढ़ लो, समाज को तोड़ने की काम किया है, बेटी है उनका बयान पढ़ लो, आपने क्या है, उन्होंने कहा मुझे हैरानी है। इस प्रकार की बेइज्जती इतने सर्वोच्च आदमी की नहीं होनी चाहिए। अरे किसने उसकी ओछी मानसिकता का परिणाम है, समाज को जोड़ने से समाज को तोड़ने का काम। अरे आप बताइए, और इसका नतीजा, और सुनो 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 सुनो, इसका नतीजा 2019 में देखने को मिलेगा, 2019 इतने सर्वोच्च आदमी की बेइज्जती करना, आप लोग समाज को तोड़ने के लिए जनताबाजी करना, लेकिन ये आपको बता दूं मैं, 2019 में वोट की चोट से जो आप देंगे जनता, मर्जी भुटका लो, 2019 से भारतीय जनता पार्टी, लोग सब समझते हैं आपकी आपकी फिर से भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी के भाजपा प्रधानमंत्री सुनेंगे, प्लीज सुनेंगे। कटारिया साहब से सवाल था मेरा, और इनेलो का स्टैंड क्या है नैन साहब इस बात को लेकर, हालांकि केंद्र में सारी जो चीजें हैं, जो हलचल है, ये पूरा ही एपिसोड केंद्र का है, लेकिन इनेलो का स्टैंड क्या है? प्रणब मुखर्जी कार्यक्रम में जाती हैं, उसके बाद इफ्तार पार्टी आयोजित की जानी है, जो फेहरिस्त है मेहमानों की उसमें से उनका नाम गायब है, वो नहीं जाएंगे, नहीं बुलाए गए। देखो ज्योति जी, मैं तो आज के मुद्दे को ये कहूंगा कि बड़े दलों की छोटी बात, इससे बड़े दिल हैं पर इनकी सोच है वो छोटी है। इससे ज़्यादा क्या होगा कि भी आरएसएस के प्रोग्राम में जाते हैं, आरएसएस उनको बुलाता है, वो चले जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी इफ्तार पार्टी रख रही है, और अब ये कह रहे हैं कि भी ये बहुत बड़े राष्ट्रपति रह चुके हैं, इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है, बहुत बड़े वो हो चुके हैं इसलिए नहीं बुलाया जा रहा। आरएसएस ने भी तो उनको बुलाया है, और मैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि भी मैं ये समझूंगा कि भी दोनों दल आज देश को भड़काने के लिए ये मुद्दा रख रहे हैं, क्योंकि देश का ध्यान अगर इधर रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ी खुशी की बात रहेगी कि भी जो असली मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जो जीएसटी के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे इन्होंने बात करनी चाहिए, जिसे लोग तंग है, जनता तंग है, वो बात ना करके तो आज धर्म की राजनीति दोनों दल कर रहे हैं। केवल ढिंगरा साहब, जाति धर्म की राजनीति की जा रखी है, और क्या कांग्रेस को ये भी डर है कि आरएसएस के कार्यक्रम में, चूंकि डॉक्टर साहब जाकर आए हैं, क्या इस कार्यक्रम में बुलाया गया, इफ्तार पार्टी में बुलाया गया, तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो सकता है कांग्रेस से? देखिए, अगर हम मंदिर में जाते हैं तो प्रॉब्लम है, अगर हम मुस्लिम किसी दरगाह पे जाते हैं मंदिर की इन पार्टियों को तो प्रॉब्लम है, 60 साल बाद याद आए ईसाई वाले किसी उसमें चले जाते हैं इनको तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों की पार्टी है। ईसाई और आपको ये बता रहा हूं, ईसाई की पार्टी आपको ये बता रहा हूं, ईसाइयों से फतवे जारी करवाते हो, फतवे जारी करवाते हो, आप फतवे जारी करवाते हो ईसाइयों से, इन लोगों को मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा, इन लोगों से। अरे कोई तो बात बताए राष्ट्रहित की, जो कांग्रेस ने राष्ट्रहित का काम किया हो, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कोई एक काम तो नहीं हो जो राष्ट्रहित में काम किया हो, आप लोग कोई देशहित में काम किया हो, आप लोग तो करते ही हैं। बताओ ना, मैं 60 साल की तुलना 4 साल में कर सकता हूँ, 60 साल की तुलना 4 साल में कर सकता हूँ, आप बताएं क्या राष्ट्रीय देश का काम किया है, आप बताएं 4 साल में क्या किया है, टॉपिक से ना भटके, फिर कभी कर लेंगे, 4 साल में क्या किया,
कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के इफ्तार पार्टी को लेकर, और जो मेहमान बुलाए गए हैं उनमें से प्रणब मुखर्जी का नाम उसमें नहीं है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। केवल ढिंगरा साहब, सवाल यही बरकरार है, क्या मुस्लिम वोट बैंक के खिसक जाने का डर है? क्योंकि राहुल गांधी जब जब मंच से बोलते हैं बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को निशाने पर लेते हैं, चूंकि आरएसएस के कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी गए तो अब उनको पार्टी में नहीं बुलाया जाएगा इफ्तार पार्टी में। देखिए, ये बीजेपी वही है, जब हम गुजरात इलेक्शन था तो अगर राहुल जी मंदिर में गए थे तो ये लोग बोलते थे मंदिर में क्यों गए, अब जब मुस्लिम के उसमें जा रहे हैं तो अब इनको ये तकलीफ हो रही है कि मुस्लिम के क्यों जा रहे हैं, जब हम ईसाई के उधर जाएंगे तो फिर इनको तकलीफ होगी कि ईसाई के क्यों जा रहे हैं। अरे हम तो सभी पार्टियों के साथ हैं, हम साथ सारे धर्मों के साथ हैं, हमारा तो कोई धर्म का वो ही नहीं है मामला, हम तो पूरे भारतवर्ष में जितने धर्म हैं हम सभी लोगों के साथ हैं और सभी के मंदिर मस्जिद जो भी है हम तो सभी जगह जाते हैं। लेकिन इनको तकलीफ होती है इस बात से क्योंकि इनका वोट बैंक खिसकता है। अब अभी मुद्दे पे एक बात कर रहे थे तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल बात करना चाहते हैं तो मुझे ये बता दे कि इन्होंने कृषि में आज तक क्या किया, इनके मेरे को ये बताएं किसानों के लिए हालात है। एक मिनट सुनिए, उसको आज जो चार वर्ग है सुन तो लीजिए, आलू को सोना बताते हैं मेरे भाई, एनसीसी की फुल फॉर्म वाली बता है जो कृषि दर थी वो टॉपिक साहब, आप मंशा के साथ, आप मकसद के साथ विषय से दूर ले जा रखे हैं चर्चा, नहीं लेके जा रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ आप भी विषय पे चर्चा करवाएं, आप जो मैं विषय पे चर्चा करता हूँ आप विषय पे चर्चा कराए, आप पहले इनको ये बात बताएं कि कांग्रेस कितने धर्मों के साथ चलती है। अगर हम गुजरात में आपने देखा होगा हम राहुल जी मंदिर में गए, राहुल जी मंदिर में जाते हैं कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के, चार पार्टी में जाते हैं कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के उसकी हमने मुखालफत की थी, हम अगर मस्जिद नहीं करी कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के जाते हैं उसकी हमने कहा था, देखिए ज्योति जी हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं उनको सभी को संदेश दिया गया, इन्होंने यही हाथ नरसिम्हा राव का किया था, यही हाथ नरसिम्हा राव का, ऊपर वो एक वरिष्ठ नेताओं की बेइज्जती करना इनका काम है। आज बताएं आप वरिष्ठ की बेइज्जती करोगे क्या? नरसिम्हा राव के साथ यही किया था, बेइज्जती करोगे क्या? आपने कल्चर में यही लिखा है, इनको क्या मालूम नरसिम्हा राव जी किस तरीके से खत्म हो गए? 10 साल से वाजपेयी को इन्होंने कब पूछा आप बता दीजिए चैनल पे, नरसिम्हा राव को आपने नरसिम्हा राव को पूछा, वो भी जब राहुल गांधी जी गए तो उसके बाद अब मोदी जी जा रहे हैं, आप नरसिम्हा राव जी को कहीं याद करते हो? आप वाजपेयी जी को अब पूछने जा रहे हैं? दूसरी बात, अडवाणी जी को कौन से कहां पे लगा दिया इन्होंने? नरसिम्हा राव की बात बताओ, आप सुनिए अभी नरसिम्हा राव की बात बताओ, आप बीजेपी से नहीं, मैं बीजेपी से नहीं मगर आप विचारधारा पूरे देश की बीजेपी की है, उसके बाद जो विचारधारा पूरे देश की है, पूछना चाहता हूँ आप लोगों ने देश को लौटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, मैं पूछना चाहता हूँ आज 14 साल हो गए 2004 के बाद वाजपेयी जी को कितनी बार मोदी जी मिलने गए, प्रधानमंत्री है वो देश के, आप लोग क्या काम करते हो या सारा देश देख रहा है? दूसरी बात, अडवाणी जी के साथ क्या किया आपने, उस आपने दूसरे नेताओं के साथ शत्रुघ्न सिन्हा के साथ क्या किया, आपने यशवंत सिन्हा के साथ क्या किया, आपने जसवंत सिंह के साथ क्या किया, आप ही लोगों ने ऐसा काम किया जो अब आपके वो नेता जिनको आप भूल गए, आप दूसरे के ऊपर उंगली करने से पहले अपने अंदर दूसरे के ऊपर मच्छर नहीं फेंका, विरोधाभास है। उस दिन केवल ढिंगरा साहब भी हमारे साथ रखे चर्चा में, बड़ी बात में ही चर्चा की, जिस तरह से
प्रणब मुखर्जी बोलते हैं, उसके जस्ट बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उनकी ओर से साफ कहा जाता है कि आरएसएस को पाठ पढ़ा कर आए। अगर कांग्रेस को उनका भाषण रास आया तो अब आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन है अपने आप में। कटारे साहब बोलिए। देखो, सबसे पहले तो कांग्रेस का काम समाज को तोड़ने का है, देश को तोड़ने का, देश को विभाजन करने का है। आज से नहीं, बहुत पुरानी सोची समझी इनकी साजिश है। उस साजिश को तोड़ के किसी प्रकार से देश की जनता ने करवट ली और जिसका नतीजा ये हुआ कि पूर्ण बहुमत से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक जनादेश देके देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जिस प्रकार की इनकी मनसा रही, इतने प्रतिष्ठित आदमी देश का राष्ट्रपति जो रह लिया, उस पर दबाव बनाया गया, उस पर नाना प्रकार के दबाव बनाए गए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनसे फोन करवाया गया। मजाक करते हो। उसके बाद उसके मैं बताता हूँ सुन लो मेरी बात। आप लोगों ने जिस प्रकार से कहा, आरएसएस का काम तो देश को जोड़ने का है, तोड़ने का कांग्रेस का। और बड़ी जो उनकी कार्यशैली से प्रभावित होके जिस प्रकार से प्रणब मुखर्जी वहां गए, ये इस बात का संकेत है, ये इस बात का संकेत है कि 2019 में क्लियर कट फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश और प्रदेश की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके 2019 में सरकार बनाएगी और एक ऐतिहासिक सरकार ऐसी बनाएगी जो देश में ना कभी बनी ना बनेगी। जिस प्रकार से 60 साल से नहीं बनी। आपके मुखिया आप लोगों ने बात कृषि और किसान की क्या बात करते हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। दंगे भड़कवाए, हरियाणा ले लो, यूपी ले लो, दिल्ली जितना जानता हूं दोनों, जेएनयू जहां राष्ट्र विरोधी नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, इस प्रकार के नारे लगे और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हो, देश के गद्दार हो तुम। अरे देश के साथ तुम लोगों ने 2019 में देश की जनता बदला लेगी तुम लोगों से, किस प्रकार की राष्ट्र विरोधी उनके साथ खड़े हो तुम? क्या साबित करना चाहते हो देश के साथ? बता रहा हूँ, देश को बांटने नहीं देंगे, देश को बांटने नहीं देंगे किसी भी हालात में, किसी भी हालात में नहीं। 2019 में 2000 से देश और प्रदेश की जनता वोट की चोट से बदला लेगी इनको, और 2000 से वोट मांगने जाओ तो हेलमेट लगा के जाना, हेलमेट लगा के जाओ, देश की जनता देख रही है, पक्ष में है तुम लोगों को, देश की जनता देख रही है, हमारी पार्टी तो सभी धर्मों की पार्टी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की 10 साल सत्ता रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इफ्तार पार्टी मनाई है, जाके वो सारी टोटल की टोटल सरकारी खर्चे पे मनाई। ढिंगरा साहब बता दें कि वो सरकारी खर्चे पे मनाई के नहीं मनाई? तो इसमें क्या ढिंगरा साहब सरकारी खर्चे पे नहीं मनाए जाते हैं, ये इस्लाम धर्म का अपमान है। मुद्दा ये है, मैं आपको बता दूं, ये इस्लाम धर्म का अपमान है। वो हर धर्म के ठेकेदार बनते हो, ये इस्लाम धर्म का अपमान है। अगर आप आप पहले घर पे जाके ना समझिए कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपको यही मुद्दा क्या है? अगर हुड्डा साहब इफ्तार पार्टी में जाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? सरकारी पैसा क्यों लगाया गया? सरकारी पैसे की बात कौन सी हो रही है? सरकारी यहाँ बात कुछ और हो रही है। अगर आप इस्लाम धर्म की बात कर रहे हो, इस्लाम धर्म की बात कर रहे हो, मुद्दा इस्लाम धर्म का पूरा
मैं मुद्दे से बाहर नहीं जाऊंगा। आप इस्लाम धर्म का पालन करो, अगर इस्लाम धर्म की बात करते हो साहब जाते हैं ना, पालन मत करो। दिलबाग जी झूठा साहब जाते हैं ना, यही बात करते हैं, यही बात कैसे कर रहे हैं, हमारी बात कर रही है। चौटाला साहब अपने पैसे से गए हैं, अरे वो तो जेल में रहते हैं, निकाल लो उसको, वो जेल में रहते हैं, वो कैसे जाएंगे, 5 साल के रिकॉर्ड, वो तो जेल में रहते हैं, कैसे जाएंगे, निकाल लो। उन्होंने 3206 टीचर का भविष्य खराब कर दिया, आपको सिर्फ 3206 टीचर नजर आ रहे हैं, भविष्य खराब कर दिया उन्होंने। फिलहाल विजय भारद्वाज जी, कांग्रेस बात करती है सहिष्णुता की और इसी का पाठ पढ़ाकर आए हैं प्रणब मुखर्जी। ये भी कांग्रेस को लगता है अभी आमंत्रित ना किया जाना, क्या ये सहिष्णुता है फिर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि जो कांग्रेस ने जानबूझ के इफ्तार पार्टी की परंपरा डाली, सबसे घिनौनी हरकत इनकी यही रही है। तो आपके कभी कभी मैं भाजपा के लोग क्यों जाते हैं इफ्तार पार्टी में, मेरी बात आप भी बताइए। परंपरा आपने डाल दी, गंदी परंपरा आपने डाल दी। अच्छा, और देखिए कभी आपने, मैं बताता हूँ, मैं इसका कारण बताता हूँ, इसमें गलत क्या है, मैं आपको बताता हूँ मजाक नहीं करते, मजाक आप कर रहे हो, मजाक के साथ मजाक करते हो। कभी ये मेरे को बताओ, नवरात्रों में कभी ऐसा काम किया, कभी नवरात्रों में हिंदुओं के लिए ऐसा काम किया, मुसलमानों के लिए आप ये काम करते हो? बीजेपी की मजबूरियां क्या थी? बीजेपी क्यों इफ्तार पार्टी आयोजित करती है? क्यों करती है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गंदी परंपरा है तो क्या उसका वहन किया जाना जरूरी है? क्या उसको आगे लेकर जाया जाना जरूरी है? उसको कांग्रेस पार्टी इफ्तार पार्टी जो कर रही है वो ताजमहल होटल में कर रही है, ताज होटल में कर रही है। ये इफ्तार होता है? इफ्तार किसको बोलते हैं? गरीबों को। जो बंदे मुसलमान खाना नहीं खा सकते वो उसको अमीर लोग उसको खाना खिलाए। परेशानी है, ये शराबियां परेशानी है, ये वहां पे इफ्तार में शराबियां बनाते हैं, परेशानी क्यों है बताओ? हमें परेशानी है क्या? आप गुंडे बदमाशी कभी आपने हिंदुओं के लिए ऐसा काम किया? आप बैकआउट हो गए? कैसा काम करते हो आप? बैकआउट हो गए पहले? भारद्वाज जी बैकआउट हो गए पहले? किस बात के लिए बैकआउट हो गए? इफ्तार पार्टी आप क्यों आयोजन करते हो? हम नहीं करते, हम विरोध करते हैं, यही हम विरोध करते हैं, यही पूछना चाह रहा था हिंदुस्तान के अंदर इसका विरोध, यही पूछना चाह रहा था मैं, यही बताना चाह रहा था। भारद्वाज जी इफ्तार पार्टी का विरोध करते हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता भी जाते रखे हैं इफ्तार पार्टी का आयोजन किया? हमारे हमारे कोई नेता नहीं है। देखो भारतीय जनता पार्टी हम हिंदू हैं, हम हिंदू होने के नाते हम इसका विरोध करते हैं, इफ्तार पार्टी नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी से सवाल है सर, देखो भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती, कभी समाज को तोड़ने और देश को तोड़ने की राजनीति नहीं की, समाज को जोड़ने की राजनीति है, हम विरोध करते हैं। जहां किसी नेता का आप ये क्या करते हैं? हम अपमान की बात करेंगे, हक में जात और धर्म गलत बात कर रहे हो और पार्टी आप गोल गोल पर किसी जिलेबी नहीं बन गई है। आप अपनी बात का मुद्दा रखिए, ऐसा आप ये ऐसा ये क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान का पहला प्रश्न है, आप विरोध में मिला है हमारे ऐसा धर्म पर क्यों नहीं आ रही है? आप ये देश जो यहां से धर्म से ऊपर उठकर काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है, यही खुल रही है, देश को तोड़ने का काम किया है, यही खुल रही है, विकास इस नीति पर आए थे और इसी नीति का अनुसरण करके आगे बढ़ रहे। आप इफ्तार पार्टी ले जाने का काम करते हैं, जात और धर्म की बात नियोजन करते हो, हर आदमी को एक भारतीय जनता पार्टी का आपने जवाब लिया कटारिया साहब, 370 हटाना, बताइए हटा दिया आपने?
रहे हैं केवल ढींगरा साहब। अभी विजय भारद्वाज जी ने कहा कि आप लोग हिंदुओं के हितैषी नहीं हैं, विजय भारद्वाज जी ने कहा। और क्या यही डर है फिलहाल कि आरएसएस के कार्यक्रम में अगर गए हैं तो उनको नहीं बुलाया जाता, कि हिंदुओं को लेकर आरएसएस को लेकर खासतौर पर संघ को लेकर, क्योंकि विजय भारद्वाज जी का आरोप है कि आप लोग नफरत करते हो। काहे का हिंदू आप, बड़ा हिंदू कैसे हिंदू आप, मैं खुद हिंदू हूं, हमें मामला कैसे आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे विजय भारद्वाज जी, आप मैं हिंदू शर्म बेइज्जती करते हिंदू, अरे हिंदू हूं मैं, हिंदू का अपमान करते हो आदि नहीं हूं आप, हिंदू का अपमान करते हो आप, पत्थर सर आपकी पार्टी हटा लेती आप लोग सत्ता में रहे, आप लोग पत्थर मार के आपने भेजे हुए हैं, चुनावी वादा आप भी इनका रहा हो लेकिन आप लोग बोले थे कांग्रेस ही पत्थर मार भेजते हैं वहां पे, सरकार है वहां पे बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ही पत्थर मार भेजते हैं, आप लोगों को पत्थर मार, फौज में पत्थर दर्ज किया आपने, जगह जगह आपने आंदोलन करके रखे, जगह जगह आंदोलन करके देश को खराब कर रहे हो आप, विजय भारद्वाज जी आप जवाब आने दीजिए सर। सवाल ये था कि हिंदुओं से नफरत करती है, बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर लगाया गया विजय भारद्वाज जी की ओर से, और तभी आप लोगों ने प्रणब मुखर्जी को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वो संघ के कार्यक्रम में गए थे, हेडक्वार्टर में गए थे। ढींगरा साहब देखिए, जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम उसको अपनी इफ्तार पार्टी, वो कांग्रेस की आयोजित इफ्तार पार्टी है, उसके अंदर हम लोग किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को भी वो, लेकिन हाँ वो वरिष्ठ व्यक्ति है, हमने इफ्तार पार्टी दिल्ली में रखी है, अभी मुझे मालूम नहीं उसकी लिस्ट कौन सी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ मुद्दे को भटकाने की बात कर रहे हैं ये लोग, बीजेपी और कांग्रेस में एक मुद्दे को चेंज करने की बात कह रहे हैं, आज देश का मुद्दा जो है 4 साल में लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ वो है, लेकिन ये लोग उसको भटका के दूसरी तरफ जो है मुद्दे को बनाना चाहते हैं, इसीलिए मुद्दा उठाया, गांधी भी मुद्दा बनाते हैं, इसीलिए आरएसएस के लोगों ने मुद्दा उठाया, आपके जो आरएसएस के नेता जो बयान दिखा रहे थे आप, वो उसी का ही परिणाम है। नहीं, आरएसएस को लेकर तो राहुल भी बोलते हैं नैन साहब, ज्योति जी ऐसे है जी, दोनों पार्टी, एक पार्टी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनी हुई है, दूसरी पार्टी कांग्रेस जो है वो इस्लाम धर्म की ठेकेदार, सभी धर्मों की, मैं नहीं, सभी धर्म हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, सही, अगर सभी धर्मों अगर राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं मैं डिग्रा तो है, अगर अरे आप लोगों मैं भारतीय जनता नाम ले रहे हैं, मेरे भाई आप लोग तो किसी खाते में, मेरे साथी ने जो जो अपने साथ 6 साल के अंदर किया वो सब लोगों को मालूम, सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, अगर आगे डिंगरा साहब ऐसे है, आप शांति रखिए, बोलने की जरूरत ही नहीं, बोलने से कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलने वाले, काम करने से वोट मिलेंगे, अगर बोलने से वोट मिल जाए तो हम पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे, पर बोलने से वोट नहीं मिलता, वोट मिलेगा काम करने से, जैसे आपने नतीजे बिल्कुल मिलेगा वोट, कांग्रेस जीतेगी 2014 में, देखते हैं तो सामने है, चला बाहर है, कांग्रेस बाहर है, देखते हैं, आप लोगों को 15 साल बिठाया, 15 साल बिठा दिया, मैं भारतीय जनता आपके सामने है, ये सभी धर्मों की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं हरियाणा के अंदर इनसे पूछना चाहूंगा, अभी एक साथी मुसलमान साथी को इन्होंने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और एक अपना राज्य मंत्री का दर्जा दिया, राज्य मंत्री का दर्जा देकर उसका जो खर्चा है वो वक्फ बोर्ड देगा, आप ये देखिए, कहते हैं हम सभी धर्मों की पालना करते हैं, वक्फ बोर्ड उसका खर्चा देगा राज्य मंत्री का, एक राज्य मंत्री का दर्जा इन्होंने दे रखा है पंचकूला से, जो विधायक है व्हीप जो बने हुए हैं उसका खर्चा सरकार दे रही है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई अगर आप सभी धर्मों के साथी हैं तो वो वक्फ बोर्ड क्यों खर्चा देगा ये बताएं, क्यों किया सरकार ने, वो जिसको दिया वो श्राइन बोर्ड का नहीं है, जिसको दर्जा दिया श्राइन बोर्ड का नहीं है, वो वक्फ बोर्ड का हमारा हमारा हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास, मेरी बात सुनिए, मेरा जवाब सुन लीजिए, सबका साथ और सबका विकास इस नीति पर आई थी, हमारा देश सिर्फ ये है क्या, मैं तोगड़े जी के हिंदू ही आगे से मैं हिंदू हिंदू की बात करूंगा, समय कम है, एक बड़ा सवाल ये बचता है, शिवसेना की ओर से कहा गया है कि अगर सर्वमान्य चेहरा ये है प्रणब मुखर्जी और आप लोग अगर नहीं आते हैं बहुमत में तो उनको आगे कर दिया जाएगा पीएम के उम्मीदवार के तौर पर, ये बातें कहां से निकल कर आ रही हैं फिलहाल, नहीं अफवाह, कटारे साहब भारद्वाज साहब आपसे सवाल नहीं है सर, कटारे साहब सारी अफवाह है जी, ये तय है 2019 में देश की जनता ने मन बना लिया है, फिर से भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों पर मोहर लगाएगी, और जिस प्रकार से नैन साहब ने 60 साल बनाम 4 साल तुलना कर सकता हूं, मैं तुलना कर सकता हूं, जिस प्रकार से 60 साल की घटना कांग्रेस सोच के नहीं थी, धरने का जो आपने किया है,
जिस तुम्हारे के गड्ढे भरने का काम हमारे किसी की जगह सवाल का जवाब छोड़कर कहीं चले गए आप। सवाल ये था कि शिवसेना ने जो कहा उससे पहले आरएसएस के कार्यक्रम में भी उनको बुलाया गया था, मोहन भागवत भी पहले उनसे मुलाकात करते देखो उनकी अब ये बातें कहां से निकलकर सामने आई है मुझे नहीं पता शिवसेना ने क्या बयान दिया, उनके निजी बयान हो सकते हैं, लेकिन हमने तो कभी जा तो धर्म की राजनीति की नहीं। भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास इस नारे पर आई थी। नारे पूरे देश में क्या होता है, सबके जनता ही हो गया, चार सब साल जनता ही है, पूरा देश देख रहा है, दंगे पूरा देश देख रहा है, दंगा भड़काने का काम कांग्रेस ने किया है, राष्ट्र विरोधी बातों को भड़काने का काम कांग्रेस ने किया है। 2000 उसमें जनता 100 पकड़ा गया, दंगे भड़काता हुआ कट्टरवादी पानी हो गया, किसने किसने आग लगाई, वापिस लेने किसने हरियाणा प्रदेश को पर्चा दर्ज करने वाले पब्लिक के बीच में, देश की जनता के बीच में अगर अलग विचारधारा में अपने विचार भी रखकर आए हैं डॉक्टर मुखर्जी, तो इतनी दिक्कत परेशानी क्यों हुई कांग्रेस? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई, नहीं जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए प्रणब मुखर्जी ने जो जवाब वहां पे दिए वो संदेश उन्होंने पाठ पढ़ाने के दिए, और लास्ट में उन्होंने इनको ये भी कह दिया कि वी मे एग्री और वी मे नॉट, आप एग्री होते हो तब भी ठीक, आप नहीं का इनाम दिया है जिससे नाम साफ क्लियर का इनाम दे दिया, इनको उसका यही नाम दिया, काम किया उन्होंने उसको यही नाम दिया, उन्होंने टॉलरेंस के प्रतिष्ठित आदमी को यही नाम दिया, नरसिम्हा राव का यही हाल दिया, यही हाल दिया, सुनते नहीं है करने वाले हैं नरसिम्हा राव की। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। चर्चा यही की स्टार पार्टी कांग्रेस की ओर से आयोजित की जा रही है, उसमें प्रणब मुखर्जी को नहीं बुलाया गया, क्या आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाए जाने का उनका ये कसूर रहा?